हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है आपका 23 अक्टूबर और भाई वरुण कुमार जो कि सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं हमसे लाइव जुड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भाई का टेस्ट हो चुका है, बार्टर कैरियर का था। इससे पहले कि हम वरुण जी से बात करें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, आप भी चाहते हैं आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उस पर कॉल करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं भाई वरुण कुमार जी से। हेलो। हाँ जी वरुण जी बोलिए, मैं आपको लाइव कर दिया। सबसे पहले परिचय दे दीजिए। हाँ, कारण की फर्स्ट स्टेज जो है, पहले जो है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। फर्स्ट स्टेज जो है, सबसे पहले जो है रोटी पकवाया गया है। हाँ। और उसके बाद जो है मसाला का नाम सब जो है बहुत सारा पूछा गया है। अच्छा, आपका लीलुआ में था, कहाँ पे था? लीलुआ लीलुआ। हाँ। और उसके बाद जो है फिर सब्जी कटिंग कराया गया। हाँ। और उसके बाद जो है लास्ट में जो है दाल बनवाया गया। अच्छा, तो वरुण आप जरा स्टेप से बताइए, आपने वीडियो देखे होंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ आपके साथ, आज कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे? एक बैच में जो है, किसी बैच में जो है 18 या किसी बैच में 20 बच्चे प्रेजेंट होते थे, उसमें से जो है 2 या 3 जो है क्वालिफाई हो रहा था। आज टोटल कितने बच्चे आए थे पूरे? टोटल बच्चे आज होंगे लगभग 250 के आसपास। अच्छा, 250 के समथिंग, मतलब कि कम ही बच्चे आ रहे हैं ना जी। पहले 500 तक आते थे, अब 250 आधे हो गए हैं ना जी। जी। अच्छा, तो वरुण आप लोगों के लिए टाइम वगैरह दिया था कि वही टाइम की कोई बाउंडेशन है ही नहीं वहाँ पे? नहीं, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ आप जो सामान बना रहे हैं उसका क्वालिटी होना चाहिए, टाइम का बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, और जो पहले से कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपको, जैसे कुछ रोटी में या फिर सब्जी में दाल में कुछ ऐसा चेंज? जी जी, मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे थोड़ा टफ करते जा रहा है, थोड़ा सा जो है जैसे रोटी है तो पहले नॉर्मल भी रहता था तो जो है, या अब जो है बहुत बारीकी से उसको जो है चेक करता है, क्योंकि सीट का हम बहुत कम है और इसलिए जो है बहुत बारीकी से चेक करके बहुत ज्यादा छांट रहा है। अच्छा, हाँ ये तो है। खैर, बारीकी सी चेकिंग तो शुरू से भी चल रही, लेकिन अब क्या है लास्ट मोमेंट है तो अब और ज्यादा है ना जी। जी अच्छा, वरुण रोटी तो वही वैसी फूली हुई होना चाहिए जहाँ बरी ना हो आपकी, और अच्छी पकी हो कच्ची ना हो, ऐसा ही मांगता है ना जी। और नीचे जी, जो नीचे रोटी का जो ऊपर होता है ना, पुपरा होता है ऊपर पर, हाँ उसके नीचे वाला भी यदि कच्चा रहता है तो रिजेक्ट कर देता है, नीचे तोड़ कर देखता है, वो भी जो है एकदम अच्छा से जो है पका होना चाहिए, ऊपर फूला हुआ है फिर भी नीचे यदि कच्चा रह जाता है, वो नीचे जो है वो बढ़िया से नहीं पका हुआ रहता है तो फिर भी रिजेक्ट कर देता है। अच्छा, मतलब कि नीचे ऊपर वो तो पूरी रोटी पकी हुई होना चाहिए है ना जी। जी। अच्छा, तो वरुण मेरे को ये बताइए, ज्यादा बच्चे कहाँ पे फेल हो रहे हैं, यहीं पे हो जाते हैं क्या रोटी में? हाँ, सबसे ज्यादा ये बच्चे यहीं पर फेल होता है, हम बोल सकते हैं कि 85-90% के समथिंग है ना जी। जी, और सबसे फर्स्ट स्टेप जो है रोटी मस्ट है, सब लड़का से रोटी हर हाल में ही पकवाया जाता है। अच्छा, तो आप कहाँ तक पहुँचे थे? हम जो है सब्जी तक ले पहुँचे थे लास्ट स्टेप में जो है, तो सब्जी में जो है वही टेस्ट किया तो उसी में जो है रिजेक्ट कर दिया। अच्छा वरुण, तो सब्जी में आपको रिजेक्ट किया है तो कैसा क्या मिला था, क्या मिला था आपको बनाने के लिए? हमको मिला था कद्दू, मिला था कद्दू। हाँ जी। तो फिर क्या मिस्टेक निकाल दी उसमें आप? बनाया अच्छा, टेस्ट किया जो है अफसर जो है ऊपर, तो टेस्ट के बाद जो है बताया कि नहीं है, इसमें जो है अच्छा नहीं है स्वाद जो है। अच्छा, टेस्ट अच्छा नहीं है बोला जी। अच्छा वरुण, मेरे को ये बता सकते हो कि वहाँ पे अभी प्रेजेंट में कौन कौन सी सब्जियाँ रखी हैं, कौन कौन सी मिलने के चांसेस हैं सबसे ज्यादा? जी जी जी, गोभी भी है, गोभी है, आलू है, शिमला मिर्च है, लौकी है,
और इतना ही सब है। और नेनुआ है जी। नेनुआ। हाँ तो यही सभी चीजें दे रहे हैं, मतलब अभी वर्तमान में कोई जाए तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। अच्छा और वरुण, आप जो मसाला का टेस्ट क्वालिफाई किए हैं उसमें क्या क्या पूछा था जरा वो बताइए। इसमें था काली मिर्च, और बहुत तरह के जो मसाले नहीं, आपसे क्या क्या पूछा था। भाई, ब्लैक पेपर, हाँ जिंजर, हाँ जेठी मिली हाँ जावित्री, हाँ जायफल, हाँ यही सब था। और जैसे वहां पे जो पूछते जाते हैं तो करीबन 10-15 पूछते हैं कि जितने रखे सारे पूछते हैं। उसी मर्जी के ऊपर होता है, आपको कहे तो बीच में बताते जाइएगा, 4-5 तो कहेगा कि हो गया, या कभी कहेगा, उस आदमी के वहां पर जो रहते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, तो है कि वहां पे रहते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड सब कुछ रहता है। बट जे कि वहां पे अभी प्रेजेंट में मसाले ही रखे कि दालें वगैरह और आपके जो पाउडर हैं वो भी रखे हैं। दोनों है, दोनों में दालें भी रखी हैं। जी। हाँ अच्छा, और मसाले खड़े भी होंगे, खड़े मसाले धनिया वगैरह। अच्छा तो आप जी बताइए वरुण जी, आज सबसे ज्यादा मिस्टेक्स वगैरह कैसी क्या की दोस्तों ने, जरा वो बताइए। हेलो, सबसे ज्यादा मिस्टेक नहीं, पसंद का जो है रोटी में ही फेल हो रहा है। अच्छा हाँ, मैक्सिमम चांसेस वहीं से डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं ना। और उसके बाद जो है फिर वेजिटेबल कटिंग में भी बहुत डिस्क्वालीफाई कर रहा था, प्याज कटिंग हुआ, या सबसे ज्यादा प्याज कटिंग में भी जो है ज्यादा डिस्क्वालीफाई कर रहा था। अच्छा वरुण, तो कटिंग में कर रहे तो वो कटिंग कैसी क्या मांग रहे हैं जरा दोस्तों के लिए बताइए आप। कटिंग जो है ऐसे चिप्स टाइप का नहीं काटते हैं, हाँ उस टाइप का जो है कटिंग मांग रहा था। जैसे हम लोग नॉर्मल में काटते हैं तो ऐसे उसको 4 भाग में जो है कटिंग कर देते हैं, या वो महीन महीन काट देते हैं, हाँ तो उस तरह का जो कटिंग करता था उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर देता था। तो वो किस टाइप की मांग रहा था, स्लाइड टाइप की स्लाइड। जी। अच्छा तो मतलब कि वहां पे उसी टाइप की कटिंग वाले सिलेक्ट हो रहे हैं ना जी। और आपका और कहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है दोस्तों के लिए। और नहीं, अब कोई हाँ ज्यादा विशेष। हाँ अच्छा वरुण, जो आप ये बताइए अभी कब तक चलेंगे वहां पे बाटा कैरियर की, कुछ आपको पता चला। लास्ट कब तक चलेगा वो? हाँ बाटा कैरियर का। लास्ट कहीं 4-5 बजे और चलेगा कहीं 4-5 बजे और। अरे हम समझ सकते हैं अक्टूबर की लास्ट डेट तक चलेंगे, है ना। हाँ क्योंकि 2-3 बार मेरे को बच्चों ने बताया है कि आज 19 तक ही लास्ट थे बाटा कैरियर के, देन इसके बाद फिर कॉल आया, फिर पता चला कि हाँ अभी तो चल रहे हैं बाटा कैरियर के, इसलिए पूछा। नहीं, अभी तो लास्ट नहीं होगा, अभी चलेगा 5-6 रोज और चलेगा। हाँ वो तो अक्टूबर का लास्ट वीक तक ही चलेंगे, 30 तारीख तक, हम समझ सकते हैं, है ना। अच्छा वरुण जी, आप एडवाइस क्या देंगे दोस्तों के लिए जो जाने वाले हैं। उसमें सबसे ज्यादा की प्रैक्टिस जो है, लोग सबसे पहले तो रोटी को सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाए, हाँ हाँ सही है। और क्योंकि सबसे ज्यादा जो है डिस्क्वालीफाई वहीं हो रहा है, और हाँ उसके बाद जो है भाई वेजिटेबल कटिंग हुआ, हाँ और फिर वही मसाले नाम हुआ। हाँ ये तो है कि भाई सब कुछ की तैयारी हो तभी जाने, कोई मतलब नहीं, है ना। बिल्कुल अच्छी 100% तैयारी। और वरुण आप मेरे को ये बता सकते हैं, क्योंकि एक दो बच्चों के डेली कमेंट्स आते हैं, कॉल आते हैं कि वो चूक गए हैं, उनका किस डेट में था, आज था, और वो आज जा नहीं पाए, तो क्या उनको बाद में ले लेते हैं वहां पे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अनाउंस करके भी बोल रहा था कि दूसरे डेट वाला इसमें नहीं, तो आ गया धोखा से कि दूसरे डेट वाला यदि आया है तो पहले ही
निकल जाओ बाहर, या फिर बाद में निकाल ही देंगे हर हाल में। हाँ नहीं तो कल मेरे पास कॉल आए थे और अभी भी हैं बहुत से बच्चे। एक का तो एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बोल रहा है कि सर पूछ दीजिए किसी से, कहीं ले लें तो अच्छा रहेगा। तो आप बोल रहे हो लेते ऐसा हैं? नहीं है, डेट यदि कोई मिस कर गया हाँ तो नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ डेट मिस कर गया, जैसे मान लीजिए किसी का आज होगा और कोई डेट मिस करके आएगा, कल आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ खैर वो रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि वहाँ पे तो वो आपके पीईटी पीएचटी में जो नंबर दिए थे उसी बेसिस पे नाम बोल बोल के सिलेक्ट करते हैं ना, और इनका अपडेट में ही नहीं है तो फिर उसका के? लिस्ट, हाँ उसका लिस्टिंग जो है, लिस्ट जो है ना हाँ ग्रुप करके जो है, जैसे 15 या 20 ग्रुप करके जो है, एक लिस्ट में जो है 20 का नाम करके जो है, हाँ वह ऑफिस से वहाँ बोर्ड से ही आया हुआ है, हाँ और वह जो है उसी लिस्ट के अनुसार जो है नाम बोलता जाता है, और उसी के अनुरूप जो है, उसी के अनुसार जो है बैच बनाता है। बैच मतलब उसका ऑफिस से ही बन करके आया हुआ है। हाँ हाँ सही है, वही तो, क्योंकि आपका नाम ही नहीं बोलेंगे फिर आप कैसे सिलेक्ट हो जाएंगे। सही हो आप तो। जी, अच्छा तो वरुण जी और कुछ बोलना चाहे तो लास्ट में बोल दीजिए। विशेष काम बताए, सबसे प्रैक्टिस करके जाए लोग हाँ होना, और इसमें इसका कोई पैमाना है नहीं कि जो है कोई वही किया जाए, जैसे सीएम दो आदमी जैसे बनाया ठीक है, हाँ और वहाँ जो चेक करने वाले होते हैं, यदि उसके मुंह से निकल गया कि हाँ आपका ठीक है तो ठीक है, यदि किसी का सेम वही है निकल मुंह से कहा गया कि नहीं ठीक नहीं है, या तो कोई पैमाना है नहीं। जैसे मान लीजिए रनिंग होता है या हाई जंप होता है, उसका एक पैमाना होता है कि हाँ इसको जो क्रॉस करेगा इस लिमिट को तो क्वालिफाई होगा, या इस लिमिट को पार नहीं करेगा और डिसक्वालीफाई होगा। यहाँ कोई मतलब मशीन या कोई है नहीं, मतलब हाँ जांचने या पैमाना का, मान लीजिए सेम सेम चीज है दो आदमी का या चार आदमी का, तो किसी का बोल दिया कि हाँ ठीक है तो ठीक है, किसी का बोल दिया कि नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है, हाँ जी सही तो बोल रहे हो आप, कि उनके माइंड के ऊपर सब निर्भर है, उनकी हाँ ना में जवाब है। सही है। चूंकि चूंकि हम अपना बात बोल रहे हैं हाँ कि हमारा जो जो हम बनाए थे, तो वहां हाँ जो खड़ा वहां पर जो खड़ा था ना सिपाही, हाँ वो खुश होकर के कहता है कि बाबू तुम्हारा हो जाएगा ठीक है, हाँ लेकिन वो उधर से आया है ट्रिपल स्टार वाले, तो कहता है कि नहीं। अच्छा तो उस आदमी के ऊपर अब फिर हमसे देखे हैं कि सेम हमसे थोड़ा दाव खराब ही था, तो उसको बोला है ठीक है। तो क्या आपको कुछ वहां पे फर्जीवाड़ा समझ में आया? क्या आपको कुछ मिस लगा क्या वहां पे, कुछ ऐसा पैसे ऐसे के समझ में आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं कोई बात, लाभ उस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कब। सही बात है, वो तो मर्जी है और अपना लक है, होता है लक तो वो अपने आप हाँ भर देते हैं, है ना। बाकी जिसकी प्रैक्टिस है वो तो जाए ही, और जिसकी नहीं है तो वो बिल्कुल मत जाए। सही बात है। अच्छा बरो मेरे को ये बताइए, वहां पे आपके बार्टर कैरियर के अलावा भी कोई टेस्ट चल रहे हैं क्या आपका, स्वीपर का या फिर बार्बर वगैरह? नहीं, दूसरे का तो नहीं हमको देखने को मिला है। हाँ तो वो आसनसोल में ही चल रहे हैं कंटिन्यू? चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है वरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी जानकारी शेयर की दोस्तों के लिए और हमारे लिए। थैंक्स। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, ये तो थे वरुण कुमार जो कि बिहार के सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं, और भाई का टेस्ट आज था लीलोहे में, ना कि आसनसोल में, और भाई बार्टर करियर से बिलोंग करते हैं। भाई ने हर एक बात बताई, कैसा क्या हुआ उनके साथ और अभी क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा लेवल हाई हुआ है, बट जो पहले करा रहे थे वही आज करा रहे हैं और वही लास्ट डे तक करेंगे। भाई ने ये भी बताया है कि अभी अक्टूबर के लास्ट तक चलेगा, मतलब कि 30 तारीख तक तो चलेंगे चलेंगे, अभी बीच में 1-2 दिन का गैप हो सकता है क्योंकि दीपावली पड़ेगी, तो आप लोग को 1-2-3 दिन का गैप देखने को मिल जाएगा, बट महीने की आखिरी तारीख तक चलने की पूरी संभावना है। और मैंने ये भी पूछा है, बहुत से कैंडिडेट कॉल करते हैं सर मेरा नहीं हो पाया, मैं नहीं जा पाया, तो क्या मैं पहुंच जाऊंगा? तो दोस्तों आप बिल्कुल जाएं मत, क्योंकि आपको वहां से भागा दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, पैसा खराब होगा, टाइम खराब होगा। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को हर एक बात, हर एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई कमेंट्स या क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।
हम उसके रिप्लाई अवश्य देते हैं या फिर आने वाले पर्सन से पूछ भी लेते हैं। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।